दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गठबंधन पर उन्होंने बयान दिया है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं होगा या नहीं है, ये बयान है केजरीवाल का। राहुल ने आपके साथ गठबंधन करने से इनकार किया है, केजरीवाल का बयान, यानी केजरीवाल बार बार ये बताना चाह रहे हैं, आप ये बार बार बयान दे रही है कि आम आदमी पार्टी तो करना चाहती थी गठबंधन, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया है, कांग्रेस नहीं चाहती गठबंधन करना। कई बार दिल्ली के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि कांग्रेस बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहती है, इस वजह से गठबंधन करने को तैयार नहीं, बीजेपी कांग्रेस दिल्ली के लोगों के खिलाफ है, इस वजह से वो हमारे साथ गठबंधन नहीं करना चाहती है। कई बार ये बयान आम आदमी पार्टी की ओर से आ चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि राहुल ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन से इनकार कर दिया है। गठबंधन की गांठें सुलझ नहीं पा रही, उलझी जा रही हैं, चर्चा होती रही कि होगा गठबंधन या नहीं होगा, बैठकें होती रही, आम आदमी पार्टी लगातार कहती रही कि हम चाहते हैं कि गठबंधन हो, लेकिन कांग्रेस ये लगातार कहती रही, खासतौर पर स्टेट इकाई, कि गठबंधन नहीं करेंगे, कांग्रेस खुद सक्षम है मैदान में उतरने के लिए। तरुण कालरा जुड़ गए हैं। तरुण, दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इनकार कर दिया है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं होगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल विशाखापट्टनम में है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को सपोर्ट करने के लिए वहां पर एक रैली का हिस्सा बनने के लिए वहां पर हो गए हैं, और उनका जो कहने का संदर्भ था वो राहुल गांधी से जो मीटिंग हुई थी महागठबंधन के तहत, उस दौरान राहुल गांधी ने जो कहा था वही स्टैंड अरविंद केजरीवाल ने रिट्रीट किया है। यानी कि ऐसी कोई नई बात नहीं कही है कि राहुल गांधी से कल हुई है, अरविंद केजरीवाल को मना किया है, लिहाजा अरविंद केजरीवाल का ये बयान इस तरह से नहीं देना चाहिए कि आम आदमी पार्टी गठबंधन की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो गई है। जो बातचीत चल रही है संजय सिंह की आम आदमी पार्टी के साथ, गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल, इनके साथ अभी भी बातचीत चल रही है। आज स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली कांग्रेस की बैठक भी, जिसमें और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कि गठबंधन की ओर मामला बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी संशय बना हुआ है, किसी तरह से रूल आउट नहीं किया जा सकता। और अरविंद केजरीवाल का ये बयान कोई ताजा हुई बैठक के ऊपर नहीं हुआ है, जो पहली बैठक और आखिरी बैठक हुई थी राहुल गांधी के समक्ष, जब राहुल गांधी ने ये बोला था अरविंद केजरीवाल को कि उनकी दिल्ली इकाई गठबंधन नहीं चाहती है, उस संदर्भ में अरविंद केजरीवाल का ये बयान है। और एक तरह से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर अगर ये बयान देते भी हैं तो इसको पब्लिक पोस्टरिंग के तौर पर भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी 7 सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर चुकी है और उसके बावजूद संजय सिंह की बातचीत कांग्रेस के साथ चल रही है, लिहाजा सीट शेयरिंग के ऊपर जैसे ही दोनों पार्टियों के बीच में मतभेद और मनभेद दूर हो जाएंगे और एक आखिरी कंसेंसस पे दोनों पार्टियां पहुंच जाएंगी तो औपचारिक डिक्लेरेशन तभी होगा। शुक्रिया आपका तरुण कालरा इस खबर पर जानकारी।